डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर के आईआईटी और नीट में पूछी हुई कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। वन प्रॉब्लम इज 10 mx अपॉन ac इक्वल टू b e टू द पावर ct, वेयर m रिप्रेजेंट्स मास, t टाइम एंड वी हैव टू डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ A, B and C. We know that e to the power ct is always dimensionless. किसी भी exponential की power dimensionless होती है, इसलिए ct dimensionless होगा, यानी m0, l0, t0 और you can say 1. It means c is 1 upon t or 1 upon t means t इनवर्स 1, तो c की डायमेंशन t इनवर्स 1 होगी। यहां e टू द पावर ct भी डायमेंशन लेस होगा। यदि c की डायमेंशन t 1 अपॉन t है तो tan थीटा को यदि हम देखें तो थीटा इज डायमेंशन लेस, इट मींस mx अपॉन ac डायमेंशन लेस होगा, यानी mx अपॉन AC is dimensionless. We can represent it M naught, L naught, T naught or 1. C की dimension हम पहले calculate कर चुके हैं। Small m की dimension capital M, x distance को represent कर रहा है। Here x represents distance और इसकी dimension L होगी। Upon A की dimension हमें determine करनी है और C is T inverse 1 इक्वल टू बी और ई टू द पावर सी क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर एक्स ये सभी डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग टेंजेंट ये सभी डायमेंशनलेस होते हैं, तो इट मींस एम एल इक्वल टू बी ए टी इनवर्स वन और A into B equal to A into B equal to M L upon T inverse 1 or M L T. यदि हम इसी क्वेश्चन को देखें तो tan tangent of any part is dimensionless, tan theta भी, यदि theta dimensionless होता है तो tan theta भी dimensionless होगा, यानी ये पूरा dimensionless होगा और e to the power ct भी डायमेंशन लेस है, इट मींस m नॉट l नॉट t नॉट इक्वल टू b m नॉट l नॉट t नॉट, यानी b की डायमेंशन 1 हो गई या उसको आप m नॉट l नॉट t नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर b की डायमेंशन 1 हो गई या m नॉट l नॉट t नॉट हो गई, तो a इज m एल टी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ए की डायमेंशन एम एल टी, बी एम नॉट एल नॉट टी नॉट और सी हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, सी इज टी टू द पावर माइनस वन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आईआईटी में और नीट में जनरल पूछी जाती है। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन जनरल हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में मास, लेंथ और टाइम को लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है, और यदि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है देन वी हैव टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मास। इस तरह के किसी भी केस के लिए हम जिसकी डायमेंशन डिटरमाइन करनी है उसके प्रोपोर्शनल इन तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन लेंगे, यानी एफ टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड टी टू दी पावर सी। और जिस तरीके से हम कोई एक डेरिवेशन करते हैं किसी भी फॉर्मूले का बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसी तरीके से इसको हम सोल्व करें। हमने सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस में ये आपको सोल्व कराया है कि किसी भी फॉर्मूले को यदि हमें डराइव करना है तो जिस मेथड से सोल्व होता है उसी मेथड से प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। अब हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं, उससे पहले हम इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं के,
f to the power a, v to the power b, and t to the power c. Mass का dimensional formula m l 0 t 0 होगा. k force, force का dimensional formula m l t minus 2 to the power a. v velocity का dimensional formula l t minus 1 to the power b. time का dimensional formula time to the power c. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. m to the power a l to the power a plus b and t to the power minus 2a minus b plus c. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे. इनको हम कंपेयर करेंगे तो m to the power a इन राइट साइड एंड m to the power 1 इन लेफ्ट साइड. तो कंपेयर करने पर a इक्वल टू हमारे पास आता है 1. L to the power a plus b and here L to the power 0. It means a plus b equal to 0. It means b equal to minus a. a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू minus 1 हो जाती है. Third, time की power minus 2a minus b plus c और इधर left hand side में t to the power 0 है. It means minus 2a minus b plus c equal to 0. a minus 2 into 1 minus b minus 1 है, minus minus plus plus c equal to 0. it means minus 2 plus 1 minus 1 and c equal to plus 1. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू minus 1 और c की वैल्यू 1. इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे तो m equal to k. f to the power a means 1, v to the power minus 1, v to the power minus 1 and c to the power 1. C is 1, it means t to the power 1. Or m should be constant f t upon v. यदि f t and v fundamental quantities हैं, तो mass होना चाहिए constant into f t upon v. Now we discuss next problem. सेकेंड प्रॉब्लम कितना ही है, AIPMT 2015 में इसको पूछा गया है. इफ E, V एंड T आर फंडामेंटल क्वांटिटी, E मींस एनर्जी, V वेलोसिटी, T टाइम, देन वी हैव टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन. सिमिलरली इफ वी रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन बाय S, देन S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर A, V टू द पावर B एंड T टू द पावर C. S means surface tension. Surface tension का formula हम थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे. Force per unit length. Force का dimensional formula हम कई बार use कर चुके हैं. MLT minus 2 upon L. तो ये हो जाता है MT minus 2. ये surface tension है. तो यहाँ पर पहले हम surface tension इस proportional के symbol को हटाने के लिए constant e to the power a, velocity to the power b, t to the power c. ये हो जाता है mt to the power minus 2 equal to k energy. energy का वही dimension formula होता है जो work done का होता है. force into distance यानी ml to t minus 2. तो energy हमारे पास होना चाहिए ml to t minus 2. velocity distance upon time यानी lt minus 1 to the power b, यहाँ power a होगी, and time to the power c. And similarly, यहाँ पर m l to the power 0, t to the power minus 2, left hand side and right hand side, k m to the power a, m to the power a and l to the power 2a plus l to the power b and t to the power minus 2a minus b and plus c. ये t to the power है. now we have to compare both sides. यदि हम compare करते हैं तो यहाँ m to the power a है और यहाँ m to the power 1 है. तो a की value यहाँ से 1 आती है. यहाँ पर 2a plus b, l to the power 2a plus b है, l to the power 0 है. तो 2a plus b equal to 0 and यदि a की value put करते हैं तो 2 into 1 plus b equal to 0 and b equal to minus 2 and t to the power, इसको
ऊपर लिख देते हैं डी टू द पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां पर डी टू द पावर माइनस टू है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए, ए इज वन, माइनस टू इंटू वन माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस टू है तो ये माइनस माइनस प्लस टू, प्लस सी इक्वल टू माइनस टू. तो माइनस टू प्लस टू बिकम्स जीरो एंड सी बिकम्स माइनस टू. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस इक्वेशन एंड इट बिकम्स एस इक्वल टू के ई टू द पावर वन ई वी टू द पावर बी, बी मीन्स माइनस टू माइनस टू, एंड सी टू द पावर अगेन माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू. सी की वैल्यू माइनस टू है और इट बिकम्स के कॉन्स्टेंट ई अपॉन वी स्क्वायर टी स्क्वायर. यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज ई वी टी होती हैं तो सेल्फ एक्सटेंशन के ई अपॉन वी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा. तो ये दो प्रॉब्लम मैंने एक टाइप की कराई है और इन जनरल कॉम्पिटिशन में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड वेयर वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर एक्स रो टू द पावर वाई आर टू द पावर सी. वी सी रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी एंड आर रेडियस. तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे. वेलोसिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, वी सी या वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल टी माइनस वन. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम थोड़ा आगे जाकर पढ़ते हैं और इसके डायमेंशन फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी एंड ईटा इक्वल टू एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी. एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं एम एल टी माइनस टू, सिक्स पाई डायमेंशनल लेस है, आर का डायमेंशन फॉर्मूला एल वेलोसिटी एल टी माइनस वन. एम एल स्क्वायर एल इंटू एल एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर माइनस वन बचेगा. टी टू द पावर माइनस वन न्यूमिनेटर में टी टू द पावर माइनस टू है तो ये टी टू द पावर माइनस वन. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन होगा. रो रो मीन्स डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स एम एल माइनस थ्री ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा. आर का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ ही होगा. तो इसको प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं के. ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर एक्स, रो एम एल माइनस थ्री टू द पावर वाई, आर एल टू द पावर जेड. और यहां वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर देते हैं एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया. और यदि एल टी माइनस वन है तो एम जीरो हो जाएगा. अब राइट हैंड साइड में एम टू द पावर एम टू द पावर ए एम टू द पावर एक्स एंड एम टू द पावर वाई. तो एम टू द पावर एक्स प्लस वाई, एल टू द पावर माइनस एक्स और एल टू द पावर माइनस थ्री, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस थ्री वाई एंड प्लस जेड. एल टू द पावर माइनस एक्स एयर एल टू द पावर माइनस थ्री वाई एयर एल टू द पावर जेड एंड टी टू द पावर माइनस एक्स. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को इक्वल करेंगे. तो यदि हम एम की पावर को देखते हैं तो यहां की पावर जीरो है और यहां पर एम की पावर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और वी कैन से एक्स इक्वल टू माइनस वाई. एल की पावर यहां पर वन है और यहां पर एल की टू पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू वन. और एक्स की वैल्यू क्योंकि माइनस वाई है तो ये माइनस एक्स माइनस थ्री, वाई मीन्स माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू वन. तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू वन. टाइम के लिए टाइम टू द पावर माइनस वन
और यहाँ टाइम टू द पावर माइनस एक्स है, इनको कंपेयर करिए, एक्स इक्वल टू वन आ जाता है। एक्स इक्वल टू वन यदि यहां पुट करते हैं तो वाई इक्वल टू माइनस वन आ जाता है, और यदि एक्स की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो टू इंटू वन प्लस जेड इक्वल टू वन, एंड जेड इक्वल टू वन माइनस टू मीन्स माइनस वन। तो हमें एक्स और जेड की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, तो एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वन, वाई की वैल्यू माइनस वन और जेड की वैल्यू माइनस वन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब 2017 में पूछी गई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में लेंथ डिपेंड्स अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी एंड जी। अगेन सपोज लेंथ इज एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर ए। यहां पर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये परमिटिविटी होता है। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द पावर बी, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट टू द पावर सी। सी यहां भी आ चुका है तो इसको इसलिए इनको हम एक्स वाई और जेड ले लेते हैं। तो लेंथ डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर टू द पावर एक्स, दिस फैक्टर टू द पावर वाई एंड दिस फैक्टर टू द पावर जेड। तो अब हमें इन तीनों पैरामीटर्स की डायमेंशन एंड वैल्यू डिटरमाइन करनी है। प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए एल इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर एक्स, सी टू द पावर वाई, जी टू द पावर जेड। अब हमें इनके डायमेंशनल फॉर्म में कैलकुलेट करने हैं। इसके डायमेंशनल के लिए हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं, जो होता है एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ है, या तो आप इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं या हमें ये आगे पढ़ने में आएगा। यहाँ पर यदि Q1 Q2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होते हैं तो ये F इक्वल टू होता है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी E होगा, ये भी E होगा, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F into R square। F अगेन डायमेंशन फार्मूला MLT-2 और R square L2, तो ये आ जाता है MLQT-2। तो E square upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला MLQT-2 होगा। तो इसको हम यहां यूज करेंगे। और C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी के इक्वल होगा। जी मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ इसमें यूज होगा। यहां पर इसका डायमेंशन फार्मूला डिटरमाइन करना है, तो ये जी होना चाहिए एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ये एफ का डायमेंशन फार्मूला MLT-2 आर स्क्वायर L2 अपॉन मास एम स्क्वायर। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम टू द पावर माइनस वन एल और एल स्क्वायर एल क्यू टी टू द पावर माइनस टू। तो हमने तीनों पैरामीटर्स के डायमेंशन फार्मूला निकाल लिए। इसका डायमेंशन फार्मूला ये है, सी का डायमेंशन फार्मूला ये है, और जी का डायमेंशन फार्मूला ये है। तो इन तीनों को यहां पर हम पुट कर देते हैं। ये 2017 में प्रॉब्लम पूछी गई है। तो ये हो जाता है L, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं M0L1T0 इक्वल टू K ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है MLQT-2 ये पावर एक्स, सी LT-1 टू दी पावर वाई, एंड जी का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L³T-2 टू दी पावर जेड। हम इनको कंबाइन कर देंगे। एम
naught L1 T naught equal to K. यहां पर m to the power x है, m to the power x, और यहां पर m to the power minus z है, तो x minus z, L, L to the power 3x, और यहां पर L to the power y, और इस जगह L to the power 3z, 3x plus y plus 3z, and t to the power minus 2x, t to the power minus y, t to the power, यहां t to the power minus 2z, m to the power x minus z, L to the power 3x plus y plus 3z, or t to the power minus 2x minus y minus 2z. अब हम इनको compare करते हैं. X minus z equal to 0 or x equal to z, and L 3x plus y plus 3z equal to 1, और थर्ड इक्वेशन है माइनस 2x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में यदि हम x इक्वल टू z पुट करते हैं, x इक्वल टू z, तो ये होती है 3x प्लस z, x इक्वल है 3x, 6x प्लस y इक्वल टू 1, ये इसमें कन्वर्ट होगी. x equal to z को यहां यदि पुट करते हैं तो minus 2x minus 2x minus 4x minus y equal to 0, इनको हम ऐड कर देते हैं. ये ऐड करने पर ये दोनों y कैंसिल आउट, 6x minus 4x means 2x equal to 1, 1 plus 0 1, and x becomes 1 by 2. यदि x 1 by 2 है तो z भी 1 by 2 होगा, और x और z की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. यहां पर यदि पुट करते हैं तो इट बिकम्स 3x means 1 by 2, 3 by 2 plus y plus z is again 1 by 2, 3 by 2 equal to 1, 3 by 2 plus 3 by 2, 3, y plus 3 equal to 1, and y equal to minus 2. तो x की value half, y की value minus 2, and z की value again half. It means length is equal to constant e square upon 4 pi epsilon naught to the power x means half c to the power y means minus 2, and g to the power again half. This is formula of L. Dear students, your problem 2016 में पूछी गई है, and we have to determine the dimension of sigma means electrical conductivity. ये चार option given है, हमें electrical conductivity का dimensional formula determine करना है. M L T के बारे में मालूम है, I यहाँ electric current को represent कर रहा है. हमें जो यहाँ पर dimensional formula जो formula use करना है, it should be equal to J equal to sigma into E. ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, J करंट डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिग्मा का यदि हमें डायमेंशन फार्मूला डिटरमाइन करना है तो इट शुड बी इक्वल टू J अपॉन E. तो पहले हम J का डायमेंशन फार्मूला डिटरमाइन करते हैं. J इज इलेक्ट्रिक करंट अपॉन सरफेस एरिया. इलेक्ट्रिक करंट को हम I लिखेंगे और सरफेस एरिया L स्क्वायर. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा आई एल माइनस टू. एंड ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड. एफ इक्वल टू क्यू इनटू ई, इसको हम यूज करेंगे. एंड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. यहां पर एफ अपॉन क्यू को लिख सकते हैं हम आई इनटू टी. क्यू इक्वल टू आई टी, हमें फॉर्मूला मालूम है, क्यू इक्वल टू I into T. F का dimension formula
एम एल टी माइनस टू जो हमें बार बार यूज करना पड़ता है, आई कॉम आई लिख रहे हैं और टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी है, तो यहां इसका फॉर्मूला जाता है एम एल टी माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा आई माइनस वन। तो हमने ई का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला और ये जे का डायमेंशन फॉर्मूला है, इन दोनों को हम यहां पुट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू जे मीन्स आई एल टू द पावर माइनस टू अपॉन ई एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, तो ये होना चाहिए एम टू द पावर माइनस वन, ये ऊपर गया एल टू द पावर माइनस टू और ये एल डिनोमिनेटर में, तो एल टू द पावर माइनस थ्री टी टू द पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स टी क्यूब, यहां पर आई है ये आई माइनस वन है तो इट बिकम्स आई स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए एम टू द पावर माइनस वन, ये है एम टू द पावर माइनस वन, ये माइनस वन होगा क्योंकि एल टू द पावर माइनस थ्री टी क्यूब आई स्क्वायर, ये एम टू द पावर माइनस वन है, तो ये यदि एम टू द पावर माइनस वन है एल माइनस थ्री टी क्यूब आई स्क्वायर, ये फोर्थ आपका आंसर हो जाता है। 2016 में पूछी गई एक और आई आई टी की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में गिवन है कि ए बी सी डी फोर डिफरेंट क्वांटिटीज हैं एंड ए डी इक्वल टू सी लॉग बी इंटू डी, ये चार ऑप्शन गिवन है, इन चार ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। हमें मालूम है कि लॉग थ्री लॉग फाइव लॉग टेन में लॉग के साथ एक नंबर होता है और नंबर डायमेंशन लेस होता है, यानी बी इंटू डी, बी और डी का मल्टीप्लीकेशन एक डायमेंशनल क्वांटिटी होगी। डायमेंशनल क्वांटिटी मीन्स एम नॉट एल नॉट टी नॉट, या इसको आप वन लिख सकते हैं और यू कैन से बी इक्वल टू वन अपॉन डी। यदि बी को आप ए कंसिडर करते हैं, ए हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको एक्स ले लीजिए, बी को यदि एक्स कंसिडर करते हैं, डी को यदि एक्स कंसिडर करते हैं तो यहां पर b 1 अपॉन x हो जाना चाहिए, b d को हमने x कंसिडर किया तो b 1 अपॉन x हो गया, तो ये एक नंबर बन गया 1 अपॉन x इंटू x। इधर d a इंटू d, d को आप ऑलरेडी x कंसिडर कर चुके हैं तो यदि d को आपने x कंसिडर किया तो a को आप y कंसिडर कर लीजिए। तो अब यदि आप a को y कंसिडर करते हैं तो इसी क्वेश्चन में ये y इंटू डी, डी मीन्स x इक्वल टू c और किसी भी क्वांटिटी का लॉग एक नंबर होता है तो ये पूरा पूरा डायमेंशन लेस हो गया, तो c इक्वल टू हो गया y इंटू x। अब आपके पास a y b वन अपॉन x c y इंटू x और d x हो गया। अब इन चारों की हेल्प से हमें ये चारों ऑप्शन चेक करने हैं, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमने पढ़ा है कि ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव इन सेम डायमेंशन फॉर्मूला, इसका मीनिंग ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं a माइनस सी अपॉन डी, a मीन्स y माइनस सी मीन्स वाई एक्स, तो y माइनस वाई एक्स यानी न्यूमिनेटर में दोनों a और c, a माइनस सी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पर ये y है और ये वाई एक्स है, y से हम y x को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ चेक थर्ड ऑप्शन a अपॉन b, a मीन्स y अपॉन b मीन्स 1 अपॉन x माइनस c, x y c x y ये x ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स x y माइनस x y, तो यहां पर भी होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, दोनों क्वांटिटी सेम है तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन के लिए
C upon BD, C X into Y upon B 1 upon X D X minus A Y D means X square upon C is X Y. X cancel out, तो यहां से आता है X Y minus, यहां से भी X cancel out, Y cancel out, तो ये आपका ऑप्शन बचता है X Y minus X. तो ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, यहां पर होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है. तो फोर्थ इज इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड.